हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑफ अवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव ग्रोथ पर। मैं रोहित। आज हम लोग बनने वाले हैं मिसिंग नंबर, लोप संख्या ज्ञात करना। तो मिसिंग नंबर ऐसा नंबर है दोस्तों, लोप संख्या है दोस्तों, हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। तो हम लोग को बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों, चाहे रेलवे, RRB, NTPC, UPSI, दिल्ली पुलिस, अब हर एग्जाम में दोस्तों देखने को मिले दोस्तों। अब लोग किस तरफ से क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना दोस्तों, वो चीज़ सीखना पड़ेगा। तो नंबर सर्च करने से पहले आप लोग कुछ चीज़ कहना चाहता हूँ दोस्तों, उसमें आप लोग फॉर्मूला दे दोस्तों, आप लोग को सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस करना दोस्तों, प्रैक्टिस कर आप लोग को उसमें फॉर्मूला दोस्तों। जब तक आप लोग प्रैक्टिस करो दोस्तों, तब तक आप लोग को मिसिंग नंबर याद रहेगा दोस्तों, नंबर सर्च याद रहेगा दोस्तों। और आप लोग छोड़ देगा तो दोस्तों आप लोग को फिर आप लोग भूल जाओगे। उसमें फॉर्मूला दोस्तों आप लोग को रटा मारने कोई चल जाएगा दोस्तों, उसमें आप लोग को सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए, उसमें लॉजिक होना चाहिए दोस्तों, फिर आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे दोस्तों। फिर ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सामने पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग करना क्या है ना, ठीक है दोस्तों। तो उसमें आप लोग देखना कि उसमें पहले नंबर से देखते ही नंबर मिसिंग नंबर देखते ही आप लोगों को पता चलना चाहिए उसमें कि उसमें क्या चल रहा है, कि क्या उसमें कौन सा नंबर चलेगा, उसमें कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, कौन सा लॉजिक लगेगा उसमें, वही आप लोगों को देखना। पहले उसको उसमें लॉजिक लगा देखना, फिर उसको देखना, फिर आप बीच बला के देखना। तो आप लोग उसमें बीच बल दिया दोस्तों, उसमें नहीं आप लोग दोबारा दो देगा दोस्तों, और तीसरा आप लोग क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग कैसे करना देखना, ठीक दोस्तों। तो दो तीन दो पाँच चार तीन, तो उस तीनों रिलेशन के चार रिलेशन बन गए तो तीन बने दोस्तों। इसमें सब्ट्रैक्ट होगा कि इसमें एडिशन होगा, इसमें आप लोग माइंड में देख से रिएक्शन होना चाहिए दोस्तों। उसमें सब्ट्रैक्ट होगा कि इसमें एडिशन होगा, कि इसमें डिवाइड हो रहा है, कि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, कि इसमें स्क्वायर चल रहा है, कि इसमें क्यूब चल रहा है, कि इसमें क्या हो चल रहा है। तो आप लोग देखते ही माइंड में आप लोग रिएक्शन होना चाहिए कि इसमें क्या चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखना कि आप लोग क्या करना देखना, तो उसमें देखो कि मैं क्या करूँ ताकि उसमें तीन बन जाए। तो उसमें देखो कि मैं इसमें क्या करूँगा ताकि तीन बन जाए। मैं टू इंटू में फाइव करूँ कितना बनेगा, तो टेन बनेगा। और ट्वेल्व इंटू में थ्री करूँगा कितना, सॉरी फोर इंटू में थ्री करूँगा कितना, ट्वेल्व बनेगा। तो कितना बनेगा दोस्तों, उसमें माइनस में कितना थ्री बनेगा दोस्तों, टू बनेगा। तो उसमें कुछ लॉजिक नहीं बना दोस्तों, उसमें दूसरा कुछ लॉजिक लगा के देखना, ठीक दोस्तों। तो उसमें क्या करना देखना, ठीक दोस्तों। तो दोनों को माइनस करना दोस्तों, उस दोनों को माइनस करो तो कितना बने दोस्तों। तो उसमें मैं टू कितना करूँ, मैं फोर माइनस थ्री करूँ कितना बने दोस्तों, फोर माइनस थ्री करूँ वन बने दोस्तों। और फाइव माइनस मैं टू करूँ कितना बने दोस्तों, फाइव माइनस टू करूँ कितना बने दोस्तों, फाइव माइनस टू करूँ तो थ्री बने, बने नहीं बनेगा। और दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देखूँ दोस्तों, दोनों को मैं थ्री इंटू वन में मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा, थ्री बनेगा दोस्तों, बनेगा। तो कुछ लॉजिक बना दोस्तों, उसमें भी ऐसा लॉजिक लगा दोस्तों दोस्तों, ताकि आप लोग उसमें सेम लॉजिक लगा दो तो अगला भी आप लोग पक्का पक्का होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप लोग को करना, तो देखना कि उसमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो उसमें देखो कि कितना बने दोस्तों, तो फिफ्टीन माइनस में एड करो कितना बनेगा, सेवन बनेगा नहीं दोस्तों, बनेगा दोस्तों। उसमें सेम लॉजिक लगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो 26 माइनस क्या करना, 26 माइनस में 19 करो कितना बने दोस्तों, तो 26 माइनस कितना, 20 मैं सेवन के साथ में कौन सा संख्या ऐड करूँगा ताकि उसमें 26 बने जाए। तो कितना मैं सेवन ऐड करूँ कितना बने दोस्तों, तो सेवन ऐड करूँ तो कितना बनेगा दोस्तों, तो 26 बने बने नहीं दोस्तों, तो बनेगा। तो सेवन बन रहा दोस्तों, तो कितना बनेगा दोस्तों, सेवन इंटू सेवन करो कितना कितना बनेगा, सेवन समझ जाएगा कितना, 47 कितना, 49 हो रहा दोस्तों, हो रहा है। तो सेम बटन लॉजिक फैला हो रहा दोस्तों, तो अगला भी आगे पक्का पक्का होगा, अब लोग करके देखना, ठीक है दोस्तों। तो नाइन माइनस सेवन करो तो कितना बनेगा दोस्तों, टू बनेगा। और आइट माइनस में फाइव करो कितना कितना बनेगा, थ्री बनेगा नहीं दोस्तों। और मैं थ्री इंटू टू मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा, सिक्स बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। तो बन रहा तो आप लोग आंसर कितना हो, सिक्स आप लोग आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थ्री पर आप लोग आंसर है। इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना दोस्तों, ताकि आप लोग गलती नहीं हो दोस्तों। आप लोग लॉजिक से इंपॉर्टेंट फॉलो हो रहा है दोस्तों, तो आप लोग आंसर पक्का पक्का 100% होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगले सामने दोनों और क्वेश्चन ला रहा दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को क्या करना देखना, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को सेम क्वेश्चन दोस्तों, सेम क्वेश्चन मतलब आप लोग सेम वाला क्वेश्चन दोस्तों। तो आप लोग कैसे सर्किल वाला क्वेश्चन, आप लोग कैसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना देखना, ठीक है दोस्तों। उसमें आप लोग कुछ देखा जाता है दोस्तों, उसमें 1 16 4 25 1 44 64 4 36 49। तो उसमें नंबर के देखते हुए पता चलना चाहिए कि इसमें स्क्वायर चल रहा है दोस्तों। आप लोग सही तरफ से माइंड में रिएक्शन होना चाहिए कि उसमें स्क्वायर चल रहा है, कि इसमें क्यूब चल रहा है, इसमें डिवाइड हो रहा है, देखना, ठीक है दोस्तों। आप लोग इस तरफ से 121 100 144 44 169। तो उसमें आप लोग को उसमें देखते ही पता चला जाए इसमें स्क्वायर चल रहा है, कि इसमें डिवाइड हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग माइंड में एक ही चीज़ आप लोग ध्यान रखना था दोस्तों, उसमें किसका स्क्वायर है, इसके किसका। आप लोग पहले आप लोग को 1 से 20 तक आप लोग स्क्वायर याद होना चाहिए दोस्तों, 1 से मैक्सिमम आप लोग 1 से 30 तक आप लोग स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चन कर पाओ इस तरफ को, ठीक है दोस्तों। तो देखना कि इसमें किसका स्क्वायर दोस्तों, ए टू का स्क्वायर, ए फाइव का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर, इसमें वन का स्क्वायर, ठीक है, वन का स्क्वायर वन ही होता है। तो तभी तो बनेगा दोस्तों, तभी तो बनेगा दोस्तों। तो देखना कि आप क्या करना देखना, ठीक है। तो वन का स्क्वायर कितना दोस्तों, वन का स्क्वायर वन होता है दोस्तों।
और टू का स्क्वायर कितना होता है, टू का स्क्वायर फोर होता कि नहीं होता है दोस्तों, और फोर का स्क्वायर कितना होता है, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन होता कि नहीं होता है दोस्तों, और फाइव का स्क्वायर कितना होता है, फाइव का स्क्वायर कितना, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव होता कि दोस्तों, हो रहा है दोस्तों। तो अब लोग क्या करना है, वो लोग को देखना ठीक दोस्तों, वन टू कितना, थ्री चार तीन सात, सात पाँच को बारह है दोस्तों, तो उसमें देखो कोई किस्मत कितना, उसमें तो वो नहीं बने दोस्तों, तो उस नंबर को देख के कुछ पता चलाना चले दोस्तों, उस नंबर को देख के कुछ पता चला चल रहा है दोस्तों, आप लोगों को कितना बारह हो रहा है दोस्तों, ट्वेल्व हो रहा है, तो ट्वेल्व किसका स्क्वायर है दोस्तों, ट्वेल्व वन फोर्टी का स्क्वायर है दोस्तों, तो ट्वेल्व कितना किसका स्क्वायर, वन फोर्टी का स्क्वायर ना दोस्तों, तो वन फोर्टी फोर हो रहा है दोस्तों, उस नंबर निकाल रहा है दोस्तों, हो रहा है, तो कुछ लॉजिक बना दोस्तों, उसमें भी सेम लॉजिक लग जाए दोस्तों, तभी तो आप लोग आंसर होगा, उसमें सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो अगला भी आप लोग हंड्रेड परसेंट पक्का पक्का होगा ठीक दोस्तों। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन मैन, तो टू किसका स्क्वायर, टू का स्क्वायर कितना फोर होता दोस्तों, फोर कितना, सेवन का स्क्वायर कितना, सेवन का स्क्वायर कितना फोर्टी नाइन है दोस्तों, और सिक्स का स्क्वायर कितना होता है, सिक्स का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, थर्टी सिक्स, और एट का स्क्वायर कितना दोस्तों, एट का स्क्वायर कितना दोस्तों, सिक्सटी फोर होता है दोस्तों, कितना अठोस्टा चौसठी, सिक्सटी फोर हो रहा है दोस्तों, हो रहा है, तो उसमें आप लोग क्या करना, उसको ऐड कर देखना ठीक दोस्तों। तो जब ऐड करके कितना बनेगा दोस्तों, आठ छः कितना चौदह, चौदह 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 के पंद्रह सोलह होगा, सोलह और सात कितना तेईस हो रहा है दोस्तों, हो रहा है, ये तेईस का स्क्वायर है, कुछ स्क्वायर है ना दोस्तों, कितना तेईस का स्क्वायर है दोस्तों, तेईस का स्क्वायर पाँच सौ उनतीस होता कि नहीं होता है, होता है ना दोस्तों, आप लोग निकाल देखना दोस्तों, पाँच सौ उनतीस होगा कि नहीं होगा, होगा तो सेम सेम लॉजिक लग रहा है दोस्तों, आप लोग आंसर आप लोग पक्का पक्का दोस्तों, आप लोग को सोचना मत दोस्तों, आप लोग को इसमें करके देखना ठीक दोस्तों। तो कितना ग्यारह का स्क्वायर कितना दोस्तों, ग्यारह का स्क्वायर वन ट्वेंटी वन ठीक है, वन ट्वेंटी वन ठीक है दोस्तों, बारह का स्क्वायर कितना दोस्तों, बारह का स्क्वायर वन फोर्टी फोर ठीक है, ऐसे आप लोग दस का स्क्वायर कितना, दस का स्क्वायर होता है कितना, दस का स्क्वायर होता है कितना दोस्तों, दस का स्क्वायर होता है सौ ठीक है, और कितना इस किस किसका स्क्वायर दोस्तों, एक किसका स्क्वायर दोस्तों, ए थर्टीन का स्क्वायर दोस्तों, थर्टीन का स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन होता कि नहीं होता है, होता है दोस्तों, तो आप लोग इसको जोड़ लेना, तो कितना बने दोस्तों, इसको जो जोड़ कर कितना बने दोस्तों, तीन तीन छः हो रहा है दोस्तों, छः हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, और कितना फोर्टी सिक्स, तो फोर्टी सिक्स का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, फोर्टी सिक्स का स्क्वायर कितना होता है, फोर्टी सिक्स का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, जब उसे ऐड करो कितना बने दोस्तों, फोर्टी सिक्स का स्क्वायर कितना होता है, दो हज़ार, दो हज़ार एक सौ सोलह होता है ठीक दोस्तों, कितना होता दोस्तों, दो हज़ार एक सौ सोलह आप लोग का आंसर होगा ठीक है। इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना ठीक दोस्तों। तो फोर्टी सिक्स का स्क्वायर आप लोग स्क्वायर आप लोग पता करना दोस्तों, पहले कितना कितना फोर का स्क्वायर निकालना, उसके बाद आप लोग सिक्स का स्क्वायर निकाल देना, बस आप लोग उसमें ऐड करना, तो कितना बनेगा दोस्तों, तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना ठीक दोस्तों। तो आप लोग सामने तीन नंबर क्वेश्चन ला रहा दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर फोकस कीजिए ठीक दोस्तों। इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना दोस्तों, तो आप लोग मैं स्क्वायर भी कैसे निकालना वही भी सिखाना वाला दोस्तों, तो अगला क्लास में आप लोग स्क्वायर का आप लोगों को सिखाना ठीक है दोस्तों, बर्मूल कैसे आप लोग निकालना देखना ठीक दोस्तों। तो अगर तीन और क्वेश्चन ला रहा दोस्तों, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों, नहीं आ रहा तो आप लोग फिर समझाने के लिए प्रेस करना ठीक दोस्तों। तो उसका स्क्वायर करना और जिसका होगा नंबर दोस्तों उसको ऐड करके उसका स्क्वायर करके इसमें लिखना ठीक दोस्तों, ताकि आप लोग आंसर होगा। तो अगर तीन और क्वेश्चन ला रहा दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर फोकस कीजिए ठीक है। तो तीन और क्वेश्चन आप लोग समझना था दोस्तों, तो आप लोग कैसे करना उस तौर को क्वेश्चन देखना ठीक है। तो आप लोग देखना, तो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव हंड्रेड हंड्रेड फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव एटी वन थर्टी सिक्स फाइव फोर्टी नाइन थर्टी सिक्स नाइन सिक्सटीन क्वेश्चन मार्क। तो कैसे आप लोग उसमें देखना ठीक है दोस्तों, उसमें भी स्क्वायर चलेगा या इसमें क्या चले, तो उसमें छोटा वैल्यू आ रहा था दोस्तों, उसमें क्या दोस्तों छोटा वैल्यू आ रहा था, उसमें बीच वाला क्वेश्चन नंबर छोटा संख्या आ रहा, तो आप लोग कैसे करना देखना ठीक है दोस्तों। तो देखो कि उसमें क्या कर रहा हूँ, उसमें मैं फाइव का स्क्वायर कौन कितना बने दोस्तों, फाइव का स्क्वायर कौन तो कितना बने दोस्तों, तो फाइव का स्क्वायर कितना ट्वेंटी फाइव होता कि नहीं होता है, होता है दोस्तों उस संख्या ठीक है। तो अगला भी कितना फाइव का स्क्वायर होता है ना दोस्तों, फाइव का स्क्वायर कितना ट्वेंटी फाइव हो रहा है दोस्तों, हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो, तो दस का स्क्वायर कितना होता है, दस का स्क्वायर कितना हो, तो हंड्रेड होता कि नहीं होता है दोस्तों, होता है, और दस का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, हंड्रेड होता कि नहीं होता है, होता है, तो जब उसमें ऐड करके कितना बने दोस्तों, पाँच पाँच दस, दस कितना, दस दस कितना बीस हो रहा, कितना थर्टी हो रहा कि नहीं होता, दस बीस थर्टी हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा है, तो थर्टी हो रहा दोस्तों, उसमें सिक्स हो रहा दोस्तों, तो उसमें क्या करूँगा ताकि इसमें सिक्स बन जाए दोस्तों, उसमें क्या करूँगा ताकि इसमें सिक्स बन जाए, तो उसमें मैं कोई एक काम करूँ, उसमें मैं क्या करूँ, उसमें उसमें फाइव से मैं भाग कर देखूँ, डिवाइड कर देखूँ, तो कितना सिक्स बनेगा दोस्तों, बनेगा, तो थर्टी कितना, थर्टी कितना डिवाइड मैं फाइव करूँ कितना बनेगा दोस्तों, सिक्स बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, तो फाइव सिक्स जाएगा ना, थर्टीन होता दोस्तों, तो होता है, तो कितना बार कट रहा है, कट रहा है दोस्तों, छः बार कट रहा है, कट रहा है, तो कुछ लॉजिक बना दोस्तों, उसमें भी ऐसा लॉजिक लगेगा दोस्तों, तभी तो आप लोग नेक्स्ट होगा ना दोस्तों, ऐसा आप लोग आंसर होगा, तो उसमें करके देखना ठीक दोस्तों। तो फाइव का स्क्वायर कितना होता है, फाइव का स्क्वायर होता है कितना, थर्टी फाइव सॉरी ट्वेंटी फाइव, और सिक्स का स्क्वायर कितना होता है, सिक्स का स्क्वायर कितना थर्टी सिक्स होता कि नहीं होता, होता है, और फाइव का स्क्वायर कितना होता है, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव ठीक है, और कितना इसके कितना आईटी वन कितना नाइन का स्क्वायर होता दोस्तों, नाइन का स्क्वायर आईटी वन होता कि नौ नौ इक्यासी हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा है, तो उसमें देखो क्या करूँ, उसमें ऐड करना दोस्तों, उसमें ऐड करके कितना बनेगा दोस्तों,
नौ छः को पंद्रह, पंद्रह पाँच को कूड़े, कूड़े पाँच को कितना पच्चीस हो रहा है दोस्तों, हो रहा है पच्चीस हो रहा है दोस्तों। तो 25 के साथ मैं कौन सा संख्या डिवाइड करूँ ताकि इसमें 5 बन जाए, तो उसमें 5 के डिवाइड करेगा तो उसमें भी 5 डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा तो भाग देना पड़ेगा ना दोस्तों। तो उसमें मैं 25 के साथ मैं 5 के साथ भाग दूँ कितना बने दोस्तों, तो 5 बनेगा दोस्तों, बनेगा तो बन रहा दोस्तों, उस संख्या आ रहा दोस्तों। अगला भी ऐसा पक्का पक्का 100% होगा, अब लोग सोचना मत, अब लोग करके देखना ठीक दोस्तों। तो 6 का स्क्वायर 36 ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 ठीक है, और 7 का स्क्वायर कितना होता दोस्तों, 7 का स्क्वायर 49, तो उसको ऐड करना था कितना बने दोस्तों, तो कितना बनेगा 7 3 को कितना 10, 10 कितना 20 हो रहा दोस्तों, 20 हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा दोस्तों। 7 4 11, 11 3 को कितना हो रहा है, 11 3 को कितना 14, 14 6 कितना 14 6 20 हो रहा है दोस्तों, हो रहा है। तो उसमें 5 से भाग दे, तो उसमें 5 से भाग देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाग देना पड़ेगा दोस्तों। तो जब उसमें 5 से भाग दोगे कितना बार कटे दोस्तों, ये 4 बार कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा कटेगा, तो अब आंसर कितना होगा 4 होगा, ऑप्शन 1 पर अब आंसर। तो इस तरफ से अब लोग क्वेश्चन करना दोस्तों, ताकि अब लोग गलती नहीं हो दोस्तों। तो लॉजिक पैटर्न फॉलो हो रहा है दोस्तों, अब लोग आंसर पक्का पक्का होगा ठीक दोस्तों, उसमें और कुछ काम नहीं दोस्तों। अब लोग प्रैक्टिस करना दोस्तों, तभी तो आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे ठीक है दोस्तों। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, जब तक आप लोग प्रैक्टिस करो तब तक आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे दोस्तों, नहीं तो क्वेश्चन करने का आसान है दोस्तों। उसमें मिसिंग नंबर और नंबर से ऐसा चीज़ है दोस्तों, उसमें जब तक प्रैक्टिस करो दोस्तों तब तक आप लोग आंसर होगा ठीक है। इस तरफ से आप लोग अपने सामने चैनल और क्वेश्चन लाना दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर फोकस कीजिए ठीक है। तो अपने सामने चैनल क्वेश्चन दोस्तों, तो आप चैनल और क्वेश्चन आप लोग करना कह रहे हैं ठीक है दोस्तों। तो चैनल और क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग सिर्फ उसमें खाली वैल्यू चेंज किया दोस्तों, तो देखना कि इसमें उसमें बड़ा वैल्यू आ रहा है दोस्तों, उसमें बीच में बड़ा वैल्यू आ रहा है दोस्तों उसमें ठीक है। तो आप लोग कैसे आप लोग करना देखना ठीक है। 9 9 2 14 ठीक है दोस्तों, 14 दोस्तों आप लोग मत बोलना 11 ठीक है, 14 है ठीक है, 14 6 12 11 5 3 56 20 10 11 4 क्वेश्चन मार्क। तो बोलो क्वेश्चन मार्क जाएगा, अब क्या करना पता करना देखना ठीक है दोस्तों। तो कैसे आप लोग पता करना देखना ठीक है दोस्तों। तो उसमें देखो कि इसमें उसमें तो स्क्वायर नहीं चलेगा दोस्तों, उसमें स्क्वायर नहीं चलेगा, उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी सब्ट्रैक्ट होगा ठीक है दोस्तों, उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड सब्ट्रैक्ट होगा। बस आप लोग इसे आप लोग देखते हैं, आप लोग क्वेश्चन को माइंड में रिएक्शन हो जाएगी, उसमें डिवाइड हो रहा है कि उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसमें ऐसा सब संख्या तो नहीं है दोस्तों, उसमें किसका स्क्वायर करो वो तो किसका स्क्वायर, इसके ये खाली स्क्वायर है दोस्तों, उसमें किसका स्क्वायर नहीं दोस्तों। तो कैसे आप लोग करना देखना ठीक दोस्तों। तो देखो कि इसमें सब्ट्रैक्ट होगा दोस्तों, मैं इसमें 14 माइनस में क्या करूँ, 14 माइनस 6 को कितना बनेगा दोस्तों, 14 माइनस में जब 6 करूँगा कितना बनेगा 8 बनेगा दोस्तों, बनेगा। और मैं 9 माइनस 2 करूँ कितना बने दोस्तों, 9 माइनस में 2 कर दो कितना बने दोस्तों, बनेगा दोस्तों 7 बने दोस्तों। तो दोनों नंबर को देख के कुछ कुछ पता चल रहा दोस्तों, उसमें कुछ पता चल रहा है, चल रहा है दोस्तों। तो क्या पता चल दोस्तों, तो दोनों का क्या हो मल्टीप्लाई हो रहा दोस्तों, उसमें क्या हो दोनों का मल्टीप्लाई हो, तो 7 इंटू क्या करना, उसका दोनों का मल्टीप्लाई करना ठीक है दोस्तों। तो 7 इंटू क्या करना, 7 8 जाए देना, तो 56 होता है 856 हो रहा है दोस्तों, हो रहा है। तो कुछ लॉजिक बना दोस्तों, उसमें भी ऐसा लॉजिक लगेगा दोस्तों दोस्तों, तभी तो आप लोग आंसर होगा दोस्तों, उसमें से हम लॉजिक लगेगा तभी तो अगला पक्का पक्का 100% होगा ठीक दोस्तों। तो क्या करना आप लोगों को, 12 माइनस क्या करना आप लोग 5 करना, तो कितना बनेगा 7 बनेगा दोस्तों, बनेगा। और क्या करना है, 11 माइनस 3 करना, तो कितना बनेगा दोस्तों, तो 11 माइनस 3 करके कितना 8 बने दोस्तों, बनेगा। तो उसमें दोनों को मल्टीप्लाई करना, 7 इंटू 8 करके कितना बनेगा दोस्तों, 56 बनेगा दोस्तों। तो कैसे आप लोग पता चल जाएगा दोस्तों, उसमें कैसे पैसे पता चल जाएगा कि आप लोगों को उसमें यह कौन होता ताकि उसमें आंसर बनेगा। तो उसमें देखना कि आप लोग पहले सोचना माइंड में, तो उसमें 12 माइनस में 5 करोड़ कितना बनेगा दोस्तों, बनेगा दोस्तों 7 बनेगा। तो 11 माइनस में 3 करोड़ कितना बनेगा दोस्तों, 8 बना। तो आप लोग माइंड में ऐसे पहले सोचना चाहिए ताकि आप लोग फिर कर पाओगे ठीक है दोस्तों। तो कितना बनेगा दोस्तों, 56 हो रहा है दोस्तों, हो रहा है। तो उसमें भी पक्का पक्का आंसर ऐसे ही होगा ठीक है दोस्तों, देखना कि। तो 11 माइनस कितना 8 करोड़ कितना बनेगा, 8 बनेगा दोस्तों, कितना सॉरी 7 4 11 7 बना दोस्तों, बना के बन रहा है। तो 20 माइनस में 10 करोड़ कितना बनेगा दोस्तों, 20 माइनस 10 करोड़ कितना 10 बनेगा दोस्तों, बनेगा। तो कितना आप लोग आंसर होगा, उस दोनों को मल्टीप्लाई कितना होगा दोस्तों, तो 7 इंटू 10 करोड़ कितना होगा, 70 होगा कि होगा, होगा। तो आप लोग आंसर कितना होगा, 70 होगा, ऑप्शन 1 पर आप लोग आंसर है। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना दोस्तों, ताकि गलती नहीं हो ठीक दोस्तों। तो अगले सामने पाइन और क्वेश्चन लाना दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर फोकस कीजिए। एक बात हमें आप लोगों को हेल्प करना दोस्तों, जब तक आप लोग नहीं तो उसको मुझे हेल्प नहीं कर दोस्तों, आप लोग कैसे आगे बढ़ पाओ। तो आप लोग न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और लाइक करना और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको पास भेजना दोस्तों। और सब्सक्राइब करने का मतलब वही नहीं दोस्तों कि आप लोगों को मेरा मोबाइल वही हो, ऐसा नहीं हो दोस्तों। मैं जब आप लोग को न्यू वीडियो अपलोड करना दोस्तों, तब तक आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँचे दोस्तों, आप लोग इसीलिए सब्सक्राइब करना पड़ता था ठीक है दोस्तों। तो अगले सामने पाइन और क्वेश्चन लड़ा दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर फोकस कीजिए ठीक है दोस्तों। तो अगले सामने पाइन और क्वेश्चन दोस्तों, तो पाइन नंबर क्वेश्चन आप लोग करना क्या नहीं ठीक है दोस्तों। तो कैसे आप लोग, तो मिसिंग नंबर इसमें अलग पैटर्न दोस्तों, आप लोग कैसे पैटर्न फॉलो करना है ठीक है दोस्तों। तो 51 56 12 15
तो उसमें दोनों दोनों रिलेशन बने कुछ बनेगा कि दोनों रिलेशन बन के उसमें 15 होगा कि दोनों रिलेशन बन के 21 होगा, उसमें दोनों बन के उसमें क्वेश्चन मार्क बनेगा। ठीक है दोस्तों, उसमें तो ऐसा पैटर्न तो फॉलो होगा दोस्तों कि दोनों बन के बनेगा कि दोनों बन के नहीं दोस्तों दोनों बन के कि दोनों बन के देखना। ठीक दोस्तों, पहले आप लोग चेक कर देखना, तो आप लोग माइंड में चलना चाहिए इसमें इसमें ताकि इसमें डिवाइड हो रहा कि इसमें सबट्रैक्ट होगा, तो इसमें मुझे लग रहा था कि इसमें डिवाइड होगा। ठीक दोस्तों, उसमें डिवाइड होगा तो उसमें क्या करूँ कि इसमें मैं 156 मैं 12 से साथ डिवाइड कर देखूँ कितना बने दोस्तों, मैं 12 के साथ डिवाइड करूँ कितना कितना बने दोस्तों, कितना 12 एकम 12 हो रहा नहीं हो रहा, हो रहा दोस्तों 12 एकम 12 हो रहा दोस्तों, तो कितना बचा दोस्तों उसमें 3 बचा, तो उसमें कितना 36 हो रहा है, 12 3 36 तो कितना हो रहा दोस्तों 36 कितना 13 हो रहा दोस्तों, तो उसमें कौन सा संख्या ऐड करूँ ताकि इसमें 15 बन जाए, इसमें आसपास 15 बनेगा दोस्तों, तो उसमें मैं 13 के साथ मैं 2 ऐड करूँ कितना बने दोस्तों, मैं 13 के साथ 2 ऐड करूँ कितना बने दोस्तों 15 बनेगा दोस्तों, तो कुछ लॉजिक बना दोस्तों उसमें उसमें भी ऐसा लॉजिक लगा दोस्तों तभी तो आप लोग आंसर होगा। ठीक दोस्तों, तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा दोस्तों तभी तो आप लोग होगा। ठीक दोस्तों, तो क्या करना आप लोगों कितना क्या करना आप लोग देखना। ठीक दोस्तों, तो 323 को क्या करना आप लोगों 17 से डिवाइड कर देखना। ठीक ठीक दोस्तों, तो 17 से जब जब आप लोगों उसमें भाग देगा तो क्या क्या बने दोस्तों 17 दोनों कितना 17 एकम 17 होगा दोस्तों, कितना दोस्तों 17 एकम 17 होगा, क्या करना देखना। ठीक दोस्तों, तो 17 दोनों 34 ज़्यादा होगा होगा दोस्तों 17 एकम 17 होगा। ठीक है दोस्तों, 17 एकम 17 तो कितना बचा दोस्तों उसमें, तो उसमें कितना बचा दोस्तों आप लोगों को, तो 17 एकम 17 कितना बचा दोस्तों उसमें, तो ज़्यादा बचा दोस्तों उसमें कितना बचा 17 एकम 17 तो उसमें तो 16 बचा दोस्तों, तो उसमें कौन सा संख्या जाएगा ताकि उसमें बनोगे ताकि उसमें उतना बन जाए, तो उसमें 9 के साथ में मल्टीप्लाई करके कितना बने दोस्तों, तो 9 के साथ में कितना 7 9 9 कितना 9 7 63 हो रहा है दोस्तों, तो उसमें कितना बनेगा 9 बनेगा दोस्तों, कितना बनेगा बनेगा दोस्तों 9 बनेगा, तो उसमें 19 हो रहा है दोस्तों, तो उसमें कौन सा संख्या ऐड करूँ ताकि इसमें 21 बनेगा, तो उसमें 2 ऐड करना, तो उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, तो उसमें जब 2 ऐड करूँ कितना बनेगा दोस्तों 2 ऐड करूँ कितना बनेगा 21 बना दोस्तों, तो उस संख्या आ रहा दोस्तों, तो लॉजिक सेटिस्फाई हो रहा दोस्तों, अगला भी ऐसा पक्का 100% होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना बोलो 525 डिवाइड क्या करना बोलोगो 25 करना, तो कितना बने दोस्तों उसमें कितना बने दोस्तों, तो कितना 25 दुना 50 हो रहा है दोस्तों 25 दुना 50 तो कितना होगा 21 हो रहा दोस्तों 21 पर कट रहा दोस्तों, तो क्या करना लोगों 21 प्लस क्या करना 2 करना, तो कितना बने दोस्तों तो 23 बनेगा दोस्तों, बन रहा तो आप आंसर कितना होगा 23 आप करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पर आप आंसर, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करना दोस्तों, तो लॉजिक सेटिस्फाई हो रहा तो आप लोग का आंसर पक्का पक्का 100% होगा दोस्तों, तो सेकंड कॉन्डिशन आप लोग तो लॉजिक सेटिस्फाई होगा, तो तीसरा आप लोग को कोई भी आप लोग रुक नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना, तो आप लोग सामने 6 नंबर क्वेश्चन करना दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर फोकस कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सामने 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तो 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग कैसे करना देखना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखना कि 24 29 53 तो दोनों रिलेशन बने कुछ बनेगा दोस्तों, दोनों रिलेशन के दोनों रिलेशन बने कुछ, दोनों रिलेशन बन के 53 बनेगा। ठीक है दोस्तों, कि दोनों रिलेशन बन के कुछ बनेगा 53 बनेगा, तो कितना 21 22 43 41 82 क्वेश्चन मार्क, तो कैसे आप लोग करना देखना। ठीक है दोस्तों, उसमें तो आप लोग को सदा जो पता चलना चाहिए उसमें इसमें एडिशन होगा दोस्तों, उसमें एडिशन होगा, उसमें ठीक है एडिशन होगा, ठीक है उसमें प्लस होगा, ठीक है कितना करना क्या करना देखना 24 प्लस क्या करना बोलो 29 करना, बस आप लोग तो देखते ही पता चल जाए 9 4 13 हो रहा दोस्तों, तो कितना 50 53 हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उसमें भी ऐसा लॉजिक लगाना। ठीक है दोस्तों, तभी तो आप लोग होगा ना दोस्तों, तो 21 प्लस क्या करना आप लोग को 22 करना, तो कितना बने तो 43 बना दोस्तों, बन रहा तो लॉजिक सेटिस्फाई हो रहा, तो उसमें भी अगला भी ऐसा होगा, आप लोग देखना ही नहीं, उसमें देखते थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन था दोस्तों आप लोग करना। ठीक है दोस्तों, 41 और 82 तो कितना होगा दोस्तों, कितना होगा 9 3 को 12 हो रहा दोस्तों, कितना 123 हो रहा है, हो रहा है तो आप आंसर कितना होगा 123 होगा ऑप्शन 4 पर आप आंसर, तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इजी वाला था दोस्तों इसी वजह से, ठीक है तो अगले सामने 7 नंबर क्वेश्चन आ रहा दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर फोकस कीजिए, तो अगले सामने 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तो कैसे आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देख रही करना। ठीक है दोस्तों, उसमें थोड़ा अलग दोस्तों, उसमें 8 5 178 7 3 116 116 1 कितना 116 तो क्या 4 9 क्वेश्चन मार्क, तो कैसे आप लोग सॉल्व करना था उसमें, उसमें डायरेक्ट आप उसमें बड़ा भले दोस्तों, उसमें स्क्वायर चलेगा या क्यूब चलेगा, तो देखना कि आप लोग उसमें स्क्वायर चलेगा या क्यूब चलेगा या मल्टीप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखना कि आप लोगों को माइंड में क्या चल रहा है देखना। ठीक है दोस्तों, तो देखना 8 5 8 5 में दोनों बन के उसमें रिलेशन बनाओ दोस्तों, दोस्तों ना तो दोनों बना कितना बने दोस्तों, तो मैं उसमें क्यूब चलेगा इसमें स्क्वायर चलेगा देखना। ठीक है दोस्तों, पहले तो उसमें मैं 8 का स्क्वायर करूँ कितना बने दोस्तों, 8 का स्क्वायर करें कितना बने दोस्तों, 8 का स्क्वायर करना कितना होता है 8 8 64 हो रहा है दोस्तों, हो रहा है तो 5 का स्क्वायर कितना बने दोस्तों, 5 का स्क्वायर 60 कितना 25 हो रहा है दोस्तों, कितना 25 हो रहा है, 25 हो रहा है दोस्तों, तो मैं दोनों को ऐड करूँ कितना बने दोस्तों, दोनों को जब ऐड करूँ कितना बने दोस्तों 9 और क्या करना बोलो 9 हो रहा है दोस्तों, 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कितना 8 हो रहा है 89 हो रहा है,
तो 89 हो रहा है, तो उसमें उस कुछ कुछ उसमें कुछ कुछ 89 देख के कुछ अभी पता चलना चाहिए चाहिए नहीं चलना चाहिए चलना चाहिए दोस्तों। तो क्या करना आप लोग देखना ठीक दोस्तों। तो 89 का इसमें दो गुना है ना दोस्तों, दोस्तों उसका 89 का दो गुना है कि नहीं हो रहा है, दो गुना 170 यानी दो गुना है ना दोस्तों। तो उसमें 89 के साथ क्या करना होगा, तो 2 मल्टीप्लाई करके देखना ठीक दोस्तों, तभी तो आप लोग बनेगा दोस्तों। तो 2 मल्टीप्लाई करके कितना बने दोस्तों, तो 178 बना दोस्तों, 2 × 18, 8 × 16, 17 हो रहा है, तो 178 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो लॉजिक सर्टिफाई हो रहा दोस्तों। तो क्या करना पहले आप लोग उसमें 8 का स्क्वायर करना और 5 का स्क्वायर करना, और दोनों को क्या करना, दोनों को प्रोडक्ट को क्या करना ऐड करना, प्लस करना कितना बना 89 बना दोस्तों, बन रहा है। तो 89 से क्या करना आप लोग को 2 मल्टीप्लाई करना, फिर क्या करना आप लोग को 2 मल्टीप्लाई करना, तो कितना बनेगा 187 बन रहा है दोस्तों, बन रहा है। तो उसमें भी ऐसा पैटर्न फॉलो कर देखना, तभी तो आप लोग आंसर होगा ठीक दोस्तों। तो क्या करना आप लोग को 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 होता है कि नहीं होता है, होता है दोस्तों 49। और 3 का स्क्वायर कितना दोस्तों, 3 का स्क्वायर कितना 9 हो रहा है दोस्तों, 9 हो रहा है। और दोनों को क्या करना आप लोग को ऐड करना, तो दोनों को ऐड करके कितना बने दोस्तों, दोनों को ऐड करना कितना 9 × 18 हो रहा है दोस्तों, हासिल हुआ तो कितना 58 हो रहा है दोस्तों, हो रहा है। तो 58 के समय 2 मल्टीप्लाई कर देखना दोस्तों, क्या करना आप लोग को 2 मल्टीप्लाई करना करना, तो 58 इंटू क्या करना आप लोग 2 मल्टीप्लाई करना, तो कितना बने दोस्तों 116 बने नहीं बनेगा, बना दोस्तों कितना 8 × 16, कितना 8 × 16 हो रहा दोस्तों, 5 × 10, तो कितना 5 × 10 और कितना 11 हो रहा दोस्तों, हो रहा है। तो लॉजिक सर्टिफाई हो रहा है, अगला भी ऐसा पक्का पक्का 100% होगा, करके देखना ठीक दोस्तों। 4 का स्क्वायर 16 ठीक है, और 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर पहले मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोग को स्क्वायर आप लोग को पता होना चाहिए, तो 120 तक आप लोग 140 तक आप लोग स्क्वायर आप लोग पता हो तभी तो आप लोग क्वेश्चन कर पाओ ठीक दोस्तों। तो कि 9 का स्क्वायर 9 × 81 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है दोस्तों, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो 7 हो रहा है दोस्तों, 7 4 का स्क्वायर 14 और 9 का स्क्वायर 81 हो रहा है दोस्तों। तो उसमें ऐड करके कितना बन रहा दोस्तों, ऐड करके 97 बन रहा दोस्तों, 97 बन रहा कि नहीं बन रहा है, बन रहा दोस्तों। तो कुछ गलती हो गया क्या उसमें, उसमें क्या करना आप लोग 97 के साथ क्या करना आप लोग को 2 मल्टीप्लाई करना, जब 2 मल्टीप्लाई करके कितना आप लोग आंसर होगा, जब उसमें 2 मल्टीप्लाई करके कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई करके कितना होगा दोस्तों 214, गलती हो गया क्या, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 9 × 81 ठीक है, 9 × 81 हो रहा है, तो ऑप्शन में कुछ गलती हो गया क्या, तो कर देना ठीक दोस्तों। तो कितना 2 × 18 हो रहा दोस्तों, 18 हो रहा दोस्तों, तो उसमें कुछ गलती होगा दोस्तों ऐसा लग रहा ठीक दोस्तों। तो पहले आप लोग चेक करना पड़ेगा ठीक है, तो कुछ आप लोग गलती हो दोस्तों उसमें, क्या क्या करना उसमें 194 होगा दोस्तों, तो 2 × 18 हो रहा दोस्तों, तो कितना आप लोग आंसर होगा दोस्तों 194 आप लोग आंसर हो जाए दोस्तों। और ऑप्शन में नहीं दोस्तों, ताकि आप लोग ऑप्शन थोड़ा गलती लगे दोस्तों 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 ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन कितना, तो उसमें लॉजिक लगा रहा दोस्तों, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा दोस्तों, आप लोग आंसर पक्का पक्का होगा, तो ऑप्शन में थोड़ा गलती लगे दोस्तों, ताकि आप लोग ठीक है उसमें उसमें 94 होगा, उसमें 149 होता था उसमें 94 होना चाहिए ठीक दोस्तों, ताकि मैं उल्टा लिख देता ठीक दोस्तों। इस तरफ से आप लोग पता करना ठीक दोस्तों, कितना होगा आप लोग 194 आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 34 आप लोग आंसर, तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना ठीक दोस्तों। तो मैं सोचा था कि उसमें ऑप्शन गलती है दोस्तों ठीक है, इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना दोस्तों, ताकि आप लोग गलती नहीं हो ठीक है। आप लोग सामने 8 नंबर क्वेश्चन लाना दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर फोकस कीजिए ठीक है। तो सामने 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग करना क्या है ठीक है, तो कैसे आप लोग पता करना ठीक है। तो 18, 15, 12 तो उसमें दोनों रिलेशन बने कुछ बना देते हो, उसमें आप लोग को ध्यान रख के करना है ठीक है। कितना 18, 15, 12 कितना 12, 34, 50, 28, 24, 42 क्वेश्चन मार्क, तो क्या आप लोगों को देखना ठीक है। उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट चलेगा दोस्तों, उसमें सब्ट्रैक्ट चलेगा इसमें डिवाइड होगा ठीक है दोस्तों, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई होगा ठीक है दोस्तों। आप लोग करना ही देना, तो सब्ट्रैक्ट होगा तभी तो उसमें डिवाइड मल्टीप्लाई होगा कि तभी तो उसमें होगा ना उसकी एडिशन होगा। तो देखना कि इसमें क्या करूँ, उसमें सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना 3 बनेगा, तो 3 का तो कुछ नहीं बना दोस्तों, उसमें उसमें क्या करना आप लोग ऐड कर देखना ठीक दोस्तों। तो 18 प्लस क्या करना आप लोग को 15 करना, तो कितना बना दोस्तों 15 करते ना 8 × 5 = 13 हो रहा है दोस्तों, उसमें कितना 23 हो रहा है, कितना सॉरी 33 हो रहा है दोस्तों, हो रहा है। तो उसमें क्या करूँ कि इसमें 11 बन जाए दोस्तों, उसमें मैं क्या करूँगी ताकि इसमें 11 बन जाए, तो क्या करना बोले उसमें 33 के साथ मैं क्या करूँ, 3 के साथ मैं 3 डिवाइड करके देखो दोस्तों, तो जब डिवाइड करूँ कितना बना दोस्तों, डिवाइड करूँ कितना 11 बना दोस्तों, बना तो लॉजिक कुछ बना दोस्तों उसमें, उसमें वैसे लॉजिक लगा देते देखना ठीक है। तो अब लोग करना क्या है ठीक है, तो 34 और प्लस क्या करना आप लोग को 50 प्लस क्या करना 34 करना, तो कितना बना दोस्तों, तो 4 और कितना 84 बना दोस्तों, तो 84 के साथ मैं 3 मल्टीप्लाई कर देखो, उसमें 3 क्या करना 3 डिवाइड कर देखना, तो कितना बनेगा 28 बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा बने दोस्तों। तो 84 डिवाइड कितना 3 करना, कितना बने दोस्तों 3 × 6 हो रहा दोस्तों, तो कितना बना 3 × 8 = 24, तो कितना 2 बचा दो 3 × 8 = 24, तो 28 हो रहा दोस्तों, हो रहा है। तो लॉजिक सर्टिफाई हो रहा है, अगला भी ऐसा होगा पक्का पक्का ठीक है दोस्तों। 24 और कितना 42, तो कितना दोस्तों 6
और 6, तो कितना बढ़ा दो उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देखना है, ठीक है, कितना होगा 6 4 2 6, तो कितना होगा दोस्तों, तो 3 मल्टीप्लाई कर कितना बनेगा दोस्तों, उसमें मल्टीप्लाई कर कितना बनेगा, सॉरी क्या करना, हम लोग 3 डिवाइड कर देना, ठीक है दोस्तों, जब इसमें डिवाइड करके कितना बढ़ा दो तो 22 बने दोस्तों बना, तो आप लोग आंसर कितना 22 होगा, बस 4 पर आप लोग आंसर, तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन 3 2 6 3 2 6, तो कितना 22 होगा, तो आप लोग आंसर कितना होगा 22 होगा ऑप्शन 2 4 पर आप लोग आंसर, तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना दोस्तों, ताकि आप लोग गलती नहीं, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग माइंड में देखते ही पता चल जाए इसमें क्या चल रहा है, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सामने 9 नंबर क्वेश्चन आ रहा दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर फोकस कीजिए, तो आप लोग सामने 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तो 9 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ताकि फिर टाइम ज़्यादा होगा, फिर अपलोड करना, वीडियो अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत रहेगा दोस्तों, इसी वजह से कम टाइम में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन अपलोड करना, ठीक है दोस्तों, तो क्या करना आप लोग देखना उसमें, देखना पहले, ठीक है, 54 36 72 90 कितना 18, तो उसमें उसमें आप लोग देखना चाहिए जिसमें, उसमें 54 36 90 72, तो चारों बन गया तो उसमें 18 बने दोस्तों, बनेगा दोस्तों, उसमें कुछ डिवाइड चलेगा कि उसमें सब उसमें एडिशन के सब्ट्रैक्ट होगा, तो उसमें डिवाइड पक्का 100% होगा, ठीक है दोस्तों, तो 72 84 94 62 124 55 क्वेश्चन मार्क, तो उसमें चार बनो बनेगा उसमें बनेगा दोस्तों, तो उसमें करके देना, ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग गलती नहीं हुआ, तो उसमें क्या करोगे इसमें इतना बन जाए, ठीक है, उसमें क्या करोगे ताकि इसमें इतना बन जाए, तो देखो कि किसमें 54 प्लस क्या करो उसमें 54 प्लस 36 करोगे कितना बने दोस्तों, 54 प्लस 36 करो कितना 10 कितना 5 3 8 90 बना दोस्तों, उसमें दोनों को ऐड कर देना 72 प्लस 90 करना, तो कितना बने दोस्तों कितना बने दोस्तों, तो 2 और कितना 9 7 कर 16 हो रहा दोस्तों, कितना 16 हो रहा है, कितना हो रहा है 7 7 14 14 15 16 हो रहा दोस्तों, कितना बने, तो दोनों को ऐड कर देना, ठीक है दोस्तों, तो दोनों को फिर ऐड करना दोस्तों, तो कितना बने दोस्तों देखना, ठीक है, तो 92 कितना 90, तो ऐड कर कितना बने दोस्तों 2, तो 9 6 15 हो रहा दोस्तों, हो रहा कि नहीं हो रहा है 9 6 15 हो रहा है दोस्तों, कितना तो 225 कितना 256 252 हो रहा है दोस्तों, तो क्या करो उसमें 252 के साथ में क्या करोगे ताकि इसमें इतना बन जाए, तो कुछ लॉजिक भी नहीं बना दोस्तों उसमें, ठीक है, क्या करना बोलो देखना, ठीक है दोस्तों, उसमें कुछ लॉजिक नहीं बना दोस्तों, उसमें क्या करोगे ताकि उसमें, ठीक है, अब लोग अगला क्या आप सोचे देखना, ठीक है दोस्तों, तो उसमें दोनों ऐड करोगे तो कितना बनेगा 225 बन रहा है, तो 225 साथ में क्या करोगे उसमें 18 बने, तो कुछ भी नहीं करना उसमें डिवाइड करो तो कितना किससे डिवाइड करोगे कितना बनेगा, तो 9 कुछ नहीं बनाया दोस्तों, उसमें अलग कुछ प्रोसेस चल रहा है, ठीक है दोस्तों, तो क्या करना आप लोग देखना, ठीक है दोस्तों, तो दोनों को ऐड कर देना, ठीक है दोस्तों, तो 54 और 72 को ऐड कर देना, ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग उसमें लॉजिक बना रहे, ठीक है दोस्तों, 54 और प्लस क्या करना आप लोग को 72 करना, तो कितना बने दोस्तों 6 कितना बनेगा 7 5 को कितना 12 हो रहा, तो 126 हो रहा है, हो रहा है, तो उसमें दोनों को ऐड कर देना, ठीक है दोस्तों, तो 36 और कितना 90 और ऐड करना कितना बने दोस्तों, तो 6 9 3 को 12, तो 126 बना दोस्तों, तो उसमें दोनों को ऐड करोगे तो 126 बना, उसमें दोनों को ऐड करोगे तो 126 बन रहा, तो क्या करोगे उसमें, तो उसमें क्या करोगे ताकि उसमें 18 बन जाए, तो 126 में क्या करोगे ताकि उसमें 18 बन जाए, तो उसमें देखो कि 17 में 7 के साथ भाग कर देखो, ठीक है दोस्तों, मैं 7 के साथ डिवाइड कर दूँगा कितना बने दोस्तों, 7 के साथ में जब डिवाइड करूँगा कितना बने दोस्तों, 7 1 7 बन रहा दोस्तों, बन रहा कि नहीं बन रहा, बन रहा, तो कितना बचा दोस्तों 12 बचा, कितना बचा 5 बचा, 7 8 56 7 8 56, तो कितना 18 बना दोस्तों, कुछ लॉजिक बना दोस्तों उसमें, उसमें वैसे पैटर्न फॉलो कर देखना, उसमें सेम पैटर्न फॉलो कर देखना, तभी तो आप लोग आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, क्या करना आप लोग को वो दोनों को जोड़ना, तभी तो कितना बनेगा 126 बना, वो दोनों को जोड़ के कितना 126 बना, तो जब 126 में 7 में 7 डिवाइड कितना भाग दे रहा तो कितना बना 8 18 बना, नहीं बना बन रहा, तो उसमें ऐसा लॉजिक ले रहा, ठीक है, तो 72 96, तो कितना बने दोस्तों 8, तो कितना बने दोस्तों 9 7 16, तो 168 बना दोस्तों, तो दोनों को ऐड करो तो कितना 168 बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा, तो क्या देखना, ठीक है दोस्तों, तो 48 और क्या करना 120, तो दोनों को ऐड करके कितना बना दोस्तों, तो 168 बना दोस्तों, उसमें भी 168 बना, तो उसमें क्या करना आप लोग को 168 के साथ क्या करना आप लोग को उसमें 7 भाग के देखना, ठीक है, क्या करना आप लोग को 7 से जब भाग दो कितना बना दोस्तों, जब 7 से 7 कितना 7 2 14 हो रहा दोस्तों, कितना बचा दोस्तों 2 बचा 7 4 28, कितना 24 हो रहा है दोस्तों, हो रहा है, तो हो रहा है कि आप लोग अगला भी ऐसा पक्का पक्का होगा, ठीक है दोस्तों, तो क्या करना देखना 93 और 124, तो कितना बने दोस्तों, तो कितना 7 9 कितना 9 2 को 11, कितना 217 बना दोस्तों, बना क्या बढ़ा 4 3 7 9 2 को 11 हासिल हुआ, तो कितना 217 बना दोस्तों, उसमें दोनों को ऐड कर देना, ठीक है दोस्तों, तो 62 और 155, ठीक है, तो कितना बने दोस्तों 7
कितना 217 बन रहा है, तो उसमें क्या करना वालों को 217 से क्या क्या करना वालों को 7 से भाग देना है, ठीक है। सो जब जब 7 से भाग कितना होगा, 7 3 21 हो रहा है कि ना, हो रहा है तो 7 कम 7 तो कितना 31 हो रहा है ना। तो आप लोग आंसर क्या होगा, 31 आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 पर आप लोग आंसर। इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना दोस्तों, ताकि आप लोग गलती नहीं, ठीक है। तो आप लोग लॉजिक भी सेटिस्फाई हो रहा है, पैटर्न भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है दोस्तों, तो आप लोग आंसर पक्का पक्का होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग माइंड में होना चाहिए। तो आज के क्लास यहाँ पर होता हूँ, तब तक के लिए बाय, ठीक है, ओके।